يا نبي سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

कि अकल अपनी तमाम तर वसी दामानियों के बावजूद और बुलंद परवाज़ियों के बावजूद अल्टीमेट नॉलेज में कम माया है दरमांदा है मोहताज है और महदूद है और बहुत से रेफरेंसेज़ एंड पर मैंने ऐसे दिए जो लिंग्विस्टिक साइंसेस से रिलेटेड लैंग्वेज से मुतक़ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स केमिस्ट्री के इसी तरह फ़िज़िक्स के मैटर्स और दीगर बहुत सारे ग्रामीटिकल मैटर्स चंद नमूने इसलिए दिए ये बात साबित करने के लिए कि हर इल्म और हर फन में और हर मैदान में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ अक्ल अपने तसवर के लिए अपने इल्म के लिए अपने आइडियाज़ के लिए जो उसने वज़ा कर रखे हैं और जिस पर दुनिया दुनिया अक्ल एतम करती है उनको जस्टिफाई करने के लिए अक्ल के पास ख़ुद कोई अकली दलील नहीं है और वहाँ जा के अक्ल सिर्फ रिवायत पर अतमाद करती है किन की रिवायत उस इल्म और फ़न के फाउंडर्स की उसके बानियों की उसके मैन्युफैक्चरर्स की उसके इन्वेंटर्स की जो उसके मूज व खालिक हैं और जो बानी हैं सो उन्होंने जो कह दिया जो बता दिया उसी रिवायत पर अहतम करके एक बेसिक प्रिंसपल के तौर पर अक़ल उनको कबूल कर लेती है और उसके बाद फिर सारे क्रिटिकल नॉलेज का फिर तनकीदी इल्म का और अकली दलाइल का जितना काम है वो ताना बाना उसके ऊपर कायम करती है तो जो फाउंडेशनल स्टोनस हैं बेशुमार बेशुमार्लू में बेशुमार में इवन फ़िलासफी में मैथमेटिक्स में तमाम क्रिटिकल जो नॉलेज के एरियाज़ हैं सब के अंदर जो फाउंडेशन फाउंडेशनल स्टोन हैं वो रिवायत पर कायम हैं वह अक़ल जो सरासर दिरायत है जिसका काम ही रैशनल क्रिटिसिज्म, रैशनल एप्रिसिएशन और रैशनल एविडेंसेस को तलाश करके तस्लीम करना या रद्द करना है तो वो हर इल्म की जो बुनियाद है उसके यहाँ फाउंडेशन है वो रिवायत पर कायम है तो इसके बाद फिर मैंने ये अर्ज किया था कि यही वजह है कि एक हद तक अक्ल अकल रिवायत की मुनकर रहती है ईमान बिलगैब की मुनकर रहती है और अकल हर मैदान में जब एक स्टेज पर पहुंचती है तो वहां जाके मोमिन हो जाती है यानी उसे अपना सर झुका देना पड़ता है सजदारेज़ हो जाती और ये रेफर किया मैंने कि हवास और अक़ल की जहां दरमांदगी और कमाएगी एस्टेब्लिश हो जाए तो और उससे आगे वो हजार हा हकाय के ज़िंदगी और हका के कायनात का जवाब देने से कासिर हो जाएं तो वहां पर अकल कहती है कि किसी तीसरे सोर्स के पास जाएं लगता है जैसे हवा से ऊपर मैं थी लगता है कोई सोर्स मुझसे भी ऊपर है वो सोर्स विजदान है वो बातिन का सोर्स है अब विजदान के सोर्स में इंट्यूशन इस इंट्यूशन का जो सोर्स है वो फाइव सेंसेस थे हवा से खमसा अक़ल जो है ये माइंड था जिसकी फिर इंटेलेक्ट समेत पांच फैक्ल्टीज़ थी माइंड की और ये एक रैशनल वजूद था और उसके बाद अब एक स्पिरिचुअल वजूद है और वो तीसरा सोर्स है इंट्यूशन जिसको विजदान कहते हैं इसके फिर मुख्तलिफ़ असमा भी हैं और इसके बयान के मुखलिफ़ तरीक़े भी हैं और इसके अंदर फिर एक पूरी कायनात है तो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कुरानी मजीद को पहले कोट कर लूँ तो फिर हम उस सब्जेक्ट पर आ जाते हैं तो मैंने पिछली बार ये भी पिछली नशस में कोट किया अब मैं कुछ रेफरेंसेज और दे रहा हूँ कि मसला सूर इसरा में अल्लाबुज़त ने फ़रमायावल फवादा कुल्ल उ तो अल्लाह तबारा का बताला ने यहाँ कम अज कम दो सोर्सेज ऑफ नॉलेज या तीन बयान किए हैं अगर सम बसर को सिर्फ हवा से खमसा का नुमाइंदा समझें तो सम बसर यानी हवा से खमसा और वलफवाद दिल क्योंकि अकल का जिक्र बेशुमार जगहों पर ताकलून और या याकिलून और अलबाब के माना में अकल का अलग से बयान आया है तो गोया फवाद दिल को भी एक मारफ़त एक फहम एक समझ बूझ और इल्म रखने वाला एक वजूद डिक्लेयर किया गया है इसी तरह कुरानी मजीद ने कहा बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि फौद से मुराद यहाँ अकल है समो बसर से मुराद हवा खम से खमसाब और फौद से मुराद अकल है फुदाद को बिलावजा अकल ही करार देने की कोई बुनियादी रीज़न नहीं है चूँकि मजीद ने बेशुमार मकाम पर अक्ल या अकेलून और ताकेलून के अल्फाज को इस्तेमाल किया है जिससे पता चलता है कि अक़ल को ऐज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान मजीद ने अलग से मेन्शन किया है कुरान मजीद में है शरा बकर बिनशर कि बनी बनसराइल का कि वो अल्लाह का क़लाम सुनते हैं और फिर मिबा दिमा अक़लू हो अल से यानी उसको समझ लेने के बाद फिर उसमें रद्द बदल कर देते हैं इसी तरह इशात फरमायाता व तन सऊ नुम ततन किताब अ फला क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो कि वह नेकी अपनी ज़िंदगी में भी नाफि करनी है और तुम कुरान की तिलावत करते हो हालांकि तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते यानी समझ से काम नहीं लेते इस तरह शात फरमाया क योह लाऊता वरीकुम आयात ही लुम ताकून इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को तुम्हारे सामने ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको यानी अक्ल से काम लो तो इसी तरह कजाले कयबयिनुल्लाहु लकुम आयاته लअलकुम तअकिलून ये सब सूरह बकरा में फिर आल इमरान में फरमाया वमा उनज़िलतित तौरात वल इंजील الا من अफला तअकिलून और उनके ऊपर तौरात और इंजील नाज़िल की गई इसके बाद क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते फिर फरमाया कद बययना लकुमल आयत इन kuntum तअकिलून

नस्म और नाकिल माँ कुन्नाफ़ी अहबाब सर अगर हम सुन लेते हक़ की बात को हक़ नसीहत और हिदायत की बात को और नाकिल और अक्ल से काम लेते अक़ल से समझ लेते तो आज हम योज में न पड़े होते